शारदीय नवरात्र आदि शक्ति देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व है, तो नवरात्र के अगले दिन दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन हम आज आपको नवरात्र या दशहरा के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि उस मंदिर की बात करेंगे जिसका संबंध देवी दुर्गा और रावण दोनों से है। यह मंदिर है देवी दुर्गा के इंद्राक्षी स्वरूप का श्रीलंका में मौजूद शंकरी देवी मंदिर। यह मंदिर देवी साधना के सर्वोत्तम केंद्र माने जाने वाले 51 शक्तिपीठों में एक है। शास्त्रों के मुताबिक यहाँ सती का उसंध यानी पेट और जांघ के बीच का हिस्सा गिरा था। हालांकि कुछ ग्रंथों के अनुसार यहाँ सती का नुपुर और कंठ गिरा था। शंकरी देवी मंदिर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर त्रिकोणमाली में एक चट्टान पर स्थापित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण लंकापति रावण ने किया था। शंकरी देवी मंदिर के पास ही शिव का भी मंदिर है, जो त्रिकोणेश्वरम या कोणेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रावण शिव का परम भक्त था और संभवतः वह यहाँ शिव शक्ति की संयुक्त साधना करता था। आज भी यह स्थान शिव शक्ति की एक साथ साधना के लिए मशहूर है। शंकरी देवी मंदिर की शक्ति या अधिष्ठात्री देवी इंद्राक्षी हैं, तो यहाँ के भैरव राक्षसवर हैं। राक्षसवर नाम भी इस मंदिर का संबंध राक्षस राज रावण से होने की पुष्टि करता है। आदि शंकराचार्य ने भी इस मंदिर की महत्ता को स्थापित करते हुए 18 महाशक्ति पीठों में जगह दी है। कालांतर में चोल और पल्लव राजाओं ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और रखरखाव को लेकर बहुत काम किया। यह मंदिर हिंदू आस्था, खासकर तमिल हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है।